कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट यानी कि कोपा, आईटीआई अगर आप कोपा से करते हैं तो डेफिनेटली आपके इन गवर्नमेंट जॉब्स में चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स थे कि सर प्लीज आईटीआई कोपा जो कि आज ट्रेंड पर चल रहा है, टेंथ के बाद करें, ट्वेल्थ के बाद करें, दो साल का आईटीआई करने के बाद अगर हम कोपा से करते हैं और गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं तो किस किस फील्ड में हमें जॉब मिल जाती है। बेसिकली कोपा के बारे में बहुत कम स्टूडेंट जानते हैं। जैसे आप आईटीआई इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और मशीन मैन, वेल्डर और फिटर, ऐसे कई सारे ड्राफ्ट मैन फील्ड से करते हैं, आर्किटेक्ट, लेकिन कोपा एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट की एक ऐसी पोस्ट जिसमें आप कंप्यूटर के बारे में ना ही केवल बेसिक्स बल्कि प्रोग्रामिंग भी सीखते हैं। आज बहुत सारे ऐसे प्रोग्रामर हैं जो केवल एक्सेल और एमएस ऑफिस की मदद से ही प्रोग्राम बना देते हैं। आप इसके स्कूल के स्टूडेंट रहे हों तो आपकी जो मार्कशीट तैयार होती है कंप्यूटर से, जो आपका डाटा बनता है, वो सब कोपा के थ्रू ही प्रोग्रामिंग करके बनाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज में, बहुत सारी जगह बिजनेसेस में, बहुत सारी जगह पर प्रोग्राम यूज होते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट फील्ड में कोपा का बहुत बड़ा रोल है। अगर मैं बात करूँ तो जितनी भी हमारी नंबर वन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज है, पीएसईज कंपनीज, चाहे बीएचएल हो, चाहे वो ओएनजीसी हो, चाहे वो गेल हो, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एनटीपीसी हो, चाहे वो एचएमटी हो, हिंदुस्तान मशीन्स ट्रेडिंग, कहीं ना कहीं ऐसी इस बड़ी कंपनीज में कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर प्रोग्रामर की जरूरत होती है। इनके लिए आईटीआई कोपा जिन्होंने कर रखा है वो एज ए बिगिनर के तौर पर अप्लाई कर सकते हैं। इनकी वैकेंसीज हर साल निकलती रहती है। सेकेंड आता है रेलवे। रेलवे में आज कंप्यूटर ऑपरेटर की बहुत सारी डिमांड आती है क्योंकि सारा कंप्यूटर बेस्ड हो चुका है। तो वहाँ पे अगर आप कोपा से करते हैं तो अपना करियर आप डेफिनेटली वहाँ पर बना सकते हैं। नंबर थर्ड आता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट। हमारे हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होते हैं, नगर निगम बोर्ड होते हैं, वहाँ पर जो वैकेंसी निकलती हैं उसके चांसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट अगर इसके साथ में लेना चाहूँ तो वो आता है कोपा की जो वैकेंसीज आती है वो आती है सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी डिपार्टमेंट में। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी अब कोपा की वैकेंसीज निकालने लगा है स्पेशल, उसके लिए बस कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए होते हैं क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट की अपनी प्रोग्रामिंग होती है, अपना डाटा रखना, अपना डाटा को सेव करना, किसी भी डाटा को करना, सर्वे करने के लिए चाहिए होता है प्रोग्राम्स, रिसर्च करने के लिए प्रोग्राम चाहिए होते हैं, इसके लिए ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है। सैलरी भी करीब 40 से 45 हज़ार रुपये आपको मिल जाती है। तो अगर आप भी आईटीआई करने के इच्छुक हैं तो कोपा से जरूर करें, इन बड़ी वैकेंसीज के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू वेरी मच।